गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा एक विषय हिंदी पार्ट 18 छोटी का कमाल नामक कविता। बच्चों, इस कविता में दो बच्चे हैं, जो क्या है, यहाँ पे एक पतली सी लड़की है, छोटी सी, इसी का नाम क्या है, छोटी का कमाल, मतलब ये छोटी है और ये मोटा तगड़ा लड़का है। तो इसमें आपने क्या है, आप लोग पार्क में जाते होंगे और पार्क में आपने क्या है, बहुत से झूले देखे होंगे, तो उसी में से एक झूला क्या है, जिसका क्या नाम है, सीसा। सीसा यानी जो क्या है, हम लोगों का क्या है, जो बैलेंस बनाने को होता है, जिसमें क्या है, ऊपर नीचे बैलेंस बनता है, उस झूले को क्या है, सीसा कहते हैं। तो इसमें, इस कविता में एक छोटी सी लड़की है और एक मोटा तगड़ा लड़का है। तो ये अपने को क्या सोचता है कि इस छोटी का बस का कुछ भी नहीं है, और अगर इसके साथ मेरे साथ ही बैठेगी तो ये झूले पे कुछ भी नहीं कर पाएगी, और मैं ही ऊपर झूले पे, इसका क्या है, बैलेंस होता है, ऊपर नीचे होता है, तो ये सोचता है कि मैं ही ऊपर जाऊंगा। तो बच्चों, ये कविता इस प्रकार से, और इसमें इसके कुछ शब्द अर्थ है, बहुत बहुत का अर्थ क्या है, ज्यादा, दुबली का अर्थ है कमजोर, सीसा झूला जो पार्क में लगे होते हैं, बैलेंस बनाने वाला होता है, वो क्या है, सीसा है झूला, मोटा तगड़ा यानी हस्त पुष्ट यानी मोटे तगड़े को क्या बोलते हैं, हस्त पुष्ट। तो बच्चों, अब हम इस कविता को बुक में पढ़ेंगे, आप मेरे साथ बुक में पढ़ेंगे। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे, पार्ट 18 छोटी का कमाल। ये क्या है, एक कविता है। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूं आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराई। तो बच्चों, ये यहाँ पे क्या है, ये एक सीसा क्या यानी झूला है, जिसपे क्या है, हम बैलेंस बनाते हैं, एक नीचे बैठते एक ऊपर बैठते हैं, तो इसमें क्या है, बैलेंस बनता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है। तो यहाँ पे क्या है, समर सिंह नाम का क्या एक लड़का है, वो क्या है, अकड़ता, मतलब वो अकड़ता है अपनी बातों पे कि मैं ही कर सकता हूँ, और छोटी को क्या कहते हैं, आप, तुम तो छोटी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं क्या हूँ, जो ये समर सिंह है यहाँ पे, तो ये क्या कहता है, मैं तो क्या हूँ, आलू के जैसे क्या हूँ, मोटा हूँ, और छोटी के लिए क्या बोलता है कि आप तो बहुत पतली हो, और रोटी के जैसे, जैसे पतली रोटी है होती है, आप उसके जैसे पतली हो। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, क्या है, वो अपने को क्या बोलता है, मैं तो खूब लंबा और मोटा तगड़ा हस्त पुष्ट हूँ, और छोटी को बोलता है कि तुम तो पतली दुबली हो, कमजोर हो, दुबली यानी कमजोर हो। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कचली सुतली, यानी मैं तो क्या हूँ, मोटा, जो मोटा रस्सा होता है, मैं उसके जैसे हूँ, और छोटी को बोलता है कि तुम कच्ची सुतली, यानी पतली सी जो रस्सी होती है, आप उसके जैसे हो। लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, लेकिन जब क्या है, वो पार्क में गए और वहाँ पे सीसा नामक एक झूला है, जिस पे हम बैलेंस बनाते हैं, वो उस पे बैठे, तो समर सिंह ने देखा, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। और जब वो सीसा पर बैठे दोनों, जिस पे बैलेंस बनता है, तो छोटी क्या है, ऊपर, चोटी सबसे ऊपर पहुंच गई, ये देखो जरा यहाँ पे, ये सबसे ऊपर है और समर सिंह क्या नीचे है। तब समर सिंह चकरा यानी अचंभित हुए कि
पतली सी लड़की क्या है, वो तो ऊपर चले गई लेकिन मैं नीचे ही रह गया। और फिर वो उसको वो चकराए अपनी बातों से जो अकड़ते थे वो, तो मतलब यहाँ पे उनको ये लगा कि छोटी कर सकती है सब कुछ। तो बच्चों ये कविता इस प्रकार से थी और आप इसे घर में अच्छे से लर्न करोगे, इसे अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिखोगे। धन्यवाद।